अपने माता पिता की आंखों के दुलार, भारत देश की आन बान और शान, आप सब पीपी सवानी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को नमस्कार। भारत के राष्ट्रीय शायर जवेरचंद मेघाणी आप जैसे युवाओं के लिए लिखते हैं कि घटवा घोड़ा थन गने ने आतम बींजे पांख, अणदीठेली भोम पर यौवन मांडे आंख। जी हाँ, जवानी क्या कर सकती है, एक युवा शक्ति या प्रचंड शक्ति का भंडार है, आइए जानते हैं। स्वागतम दोस्तों, जिंदगी एक गहना है और जवानी उसका डायमंड। हर पहलू से जवानी को चमकाना अनिवार्य बनता है और संभव भी। हर अच्छे पायदान पर चढ़ने की सही उम्र कौन सी है? जवानी। हर अच्छे संबंधों को सजाने का सही फूलदान कौन सा है? जवानी। हर साहस को सही मार्गदर्शन से लक्ष्य तक पहुंचाने की नैया कौन सी है? जवानी। चाहे कितनी भी बड़ी मानवीय शक्तियों की मर्यादा हो, परंतु वह युवा ही है जो हर सीमा को लांघकर लक्ष्य के हिम शिखरों की चोटियों तक पहुंच सकता है। यही पड़ाव है उम्र का, जहां युवा अपनी सूझबूझ और अद्वितीय हुनर से सारे विश्व को सृजनात्मक क्रांति के उजास तक ले जा सकता है। वही जवानी है जो मानवता और सेवा सहयोग की बाहें फैलाकर सारे विश्व को अपनी आगोश में लेने की क्षमता रखती है। आज की युवा शक्ति वो सर्जन की ओर है या विनाश की ओर? जी हाँ, आज जो युवा शक्ति है उसे व्यसनों की दीमक तो नहीं लग गई ना? एक बालक का जन्म लेता है कहीं आशाओं के साथ, उसके परिवार की कितनी अभिलाषाओं के साथ और देश के विकास और संस्कृति निर्माण की इच्छाओं के साथ। क्या आज की युवा शक्ति यह आशा, यह अभिलाषा और यह इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है, या फिर होता है ये हाल? అమ్మలాలిని మించి ఉంద ఆమై కళ్ళు, నాన్న కూడా గుర్తురాడ ఆ నిమిషల్లో, నిన్నే చూసి లోకం
మంచి అంటుంటే పాపం నిన్నే కన్న ప్రాణం ఏడుస్తోంది చూడు देखा आपने ड्रग्स एडिक्शन के परिणाम। आज पूरे विश्व को चिंता है इसी बात की। आज जब वर्ल्ड ड्रग्स डे है तो इसी चिंता को चिंतन की ओर प्रवाहित करते हैं और जानते हैं इस समस्या के समाधान को। आइए सद्गुरु जी की इस वाणी के साथ। तो चरस या गांजे जैसे दूसरे कुदरती नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि गांजे के सेवन से कई मेडिकल फायदे हैं। मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए हैं, है ना? जब लोग बीमार होते हैं तब हम मेडिकल फायदों की बात करते हैं, ना कि तब जब वे स्वस्थ होते हैं, है ना? मगर क्या ये सच है कि ये इंसानी सिस्टम दुनिया की सबसे जटिल केमिकल फैक्ट्री है? हेलो, तो अगर आप इसे अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं तो आप जो चाहे इसे पैदा कर सकते हैं। खैर, एक इजरायली वैज्ञानिक था, आपने उसके बारे में सुना होगा क्योंकि आपने इस पहलू पर काफी रिसर्च की है। वो गांजे और न्यूरोलॉजिकल प्रणाली पर उसके असर के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसने अमेरिका में अपना शोध शुरू किया। उसके लिए उसे हर साल करीब 15 किलो गांजा मिल रहा था। करीब 12-13 साल तक उसे यह मिला। उसने कोई नतीजा नहीं निकाला। 1980s के दशक में जब अमेरिकी ड्रग एजेंसियां, वे एजेंसियां जो ड्रग की तस्करी और ऐसी चीजों के खिलाफ काम कर रही थी, उन्होंने सप्लाई करने वालों को नहीं बल्कि बाजार को निशाना बनाने की सोची, तो पुलिस गली गली में कार्यवाही कर रही थी। उस समय पुलिस और एजेंसियों ने कहा, इस आदमी को हर साल 13 किलो गांजा मिल रहा है, हर साल, हमें इसकी तरफ से कोई पेपर भी नहीं मिला है, इसे बंद कीजिए। उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। फिर वो इसराइल चला गया और दिखाया कि उसने अब तक क्या किया है, और वहां उसे उसकी मनचाही मात्रा में गांजा दिया गया। लगभग 4.5 सालों में उसने निष्कर्ष निकाला। उसने कहा, हमारे दिमाग के अंदर गांजे के लाखों ग्राहक बिंदु हैं, मगर क्यों? तो उसने ये सूचना अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों तक पहुंचाई, ये पता करने के लिए कि इंसानी दिमाग में लाखों गांजे के ग्राहक बिंदु क्यों हैं। स्वाभाविक रूप से मानव वैज्ञानिकों ने कहा, शायद किसी समय सारी मानव जाति धूम्रपान करती थी, मगर यह संभव नहीं है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में यह पैदा नहीं होता, मगर वहां भी दिमाग वैसा ही है। कई चीजें होने के बाद दुनिया भर में इस बारे में कई मजेदार चीजें हुई। फिर न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि दिमाग आपसे शरीर के भीतर ही ऐसे केमिकल्स पैदा करने की उम्मीद करता है। वो आपसे धूम्रपान की उम्मीद नहीं करता, यह आपसे वो पैदा करने की उम्मीद करता है ताकि आप हर समय अपने मूड को संतुलित रख सकें। मगर ज्यादातर इंसान निकम्मी केमिकल फैक्ट्री बन गए हैं, या वे बस एक शानदार फैक्ट्री को मैनेज करने वाले घटिया सीईओ बन गए हैं, तो उन्होंने बाहर से नशा लेना शुरू कर दिया है। यह कोई नैतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए यह कोई नैतिक मुद्दा नहीं है, मगर बात यह है कि इस बारे में ठोस अध्ययन है
जिन्हें उन कार्यकर्ताओं द्वारा दबाया जा रहा है जो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये दिखाने के लिए ठोस अध्ययन है कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपके दिमाग के कुछ खास आयाम, खासकर निर्णय लेने की क्षमता काफी कम हो जाती है अगर आप 30 दिन तक गांजे का सेवन करते हैं। अगर ऐसा 4 से 5 साल तक चलता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता साफ तौर पर प्रभावित होती है। इस तरह के दिमाग के साथ अगर आप अदालत जाते हैं और मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला वकील मुझे मिले, मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला सर्जन मेरा ऑपरेशन करे। अगर वो बस गली के कोने में गांजा पी रहा है और किसी को कुछ नहीं कर रहा है तो वो उसकी समस्या है, मगर मैं निश्चित रूप से नहीं चाहूंगा कि मेरा सर्जन गांजे का सेवन करके मेरी सर्जरी करे। हाँ या नहीं, क्या आप चाहते हैं? ना ही मैं ऐसे ड्राइवर चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक खास गति पर गाड़ी चलाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि नशा करने वाले दूसरे ड्राइवर मेरे साथ गाड़ी चलाएं। मैं नहीं चाहता। ना ही मैं अपने लिए ऐसा ड्राइवर चाहूंगा अगर कभी मैं गाड़ी में पीछे बैठूं जो नशा करके गाड़ी चला रहा हो। अगर आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। अधिकांश लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। Drug addiction or drug abuse is a global issue. It is affecting to individuals, families and communities. Dear students, as you are a students, you should know what are the side effects, complications of drug addictions and drug abuse. Dear students, as you are a future leaders, innovators and change makers of the society, we work together to create a healthier and safe environment and drug-free environment for ourselves and for the society. Wish you all the best and say no to drugs. Bye. आइए जानते हैं ज्ञानवचन स्वामी जी से। तुम व्यसन करो छो एनी पर हूं तुमने अत्यारे जाहिर में एक आरोप मुकू जे व्यसन ही होए ये आरोपनी विरुद्ध में हमारी सामने एक वाक्य बोली बतावे। तमे जे व्यसन करो छो तंबाकू संबंधी एनी पर हूं एक जाहिर में आक्षेप मुकू छु के तमे मोढ़ा में तंबाकू मुको छो अथवा सिगरेट पीवो छो अथवा तो दारू थोड़ुक पीवो छो तो मारो आक्षेप तमारी ऊपर ए छे के तमने तमारा पत्नी अने संतानों प्रत्ये प्रेम नथी अने तमने एनी परवा नथी, ए रखड़ी पड़े रजरी पड़े एनी साथे तमारे कोई निस्बत नथी, ये हूँ आक्षेप मुकू छु। हवे खोटो होय तो आंगळी ऊंची करीने बोलो। मैं आक्षेप मुक्यो के ते मोढ़ामां तमाकू मुक्यो एटले नक्की थई गयुं के तने तारा पत्नी प्रत्ये प्रेम नथी, हवे खोटो होय तो मने सामे कहो। कारण के जे तमाकू मुक्यो एटले कैंसर थवानी शक्यता वधी गई, એટલે મરવાની શક્યતા વધી ગઈ, એટલે તારા મનમાં શું છે કે મારી પત્ની વિધવા થવું હોય તો થઈ જાય, મારે કોઈ પડી નથી, મારા છોકરાઓ બાપ વગરના થઈ જવા હોય તો થઈ જાય, મારે કોઈ પડી નથી, પણ મારે આ 50 પૈસાની પડી કે દર કલાકે જોઈએ, એવું નક્કી થઈ ગયું ને? હા કે ના તો પાડો। મેં તમારી ઉપર જાહેરમાં આરોપ મૂક્યો, હવે આરોપ સાચો કે ખોટો એમ મને કહો, જોશી બોલો। સાચો, તમે તમાકુ મોઢામાં મૂકો છો એટલે તમને તમારી પત્ની વિધવા થઈ જાય એની કોઈ પડી નથી, તમારા સંતાનો બાપ વગરના થઈ જાય તમને કોઈ પડી નથી, તો તમે મૂરખ કેવા હો? ભગવાને તમને બધાને એક સારો પરિવાર આપ્યો છે, તારા પત્ની છે, સંતાનો છે, ઘરે ભાઈ બહેન હશે, તમારા માતા પિતા છે, પ્રેમથી બધા સાથે રહો છો, આનંદ કરો છો, સાંજે નોકરી ધંધા પરથી તમે જાઓ તો તમારા પરિવારને મળો તમે હળવા થઈ જાઓ છો, આનંદમાં આવી જાઓ છો, સાથે બેસીને જમો છો, કંઈક આ ટીવી શો સાથે બેસીને જુઓ છો, વાતો કરો છો, તે આનંદ છે કે નહીં કુટુંબનો? એ બધો ખલાસ થઈ જશે આ 50 પૈસાની પડીકીમાં। એક વ્યક્તિને હું ઓળખતો, તેનું નામ કિશોરભાઈ, વર્ષો પહેલાંની વાત છે, 95-98 સાલમાં રાજકોટના એ રહેવાસી, એમની ઉંમર 29-30 વર્ષની, એમને ખૂબ ઘણું તમાકુનું વ્યસન, અમે બધા ખૂબ કહેલું ભાઈ છોડો, તો કે છૂટતું નથી છૂટતું નથી, મેં કહ્યું હિંમત રાખો, બહુ તમાકુનું મન થાય કંઈક થોડો શરૂઆતમાં લવિંગ કે તજ કેવું કંઈક રાખવું, એટલે ધીમે ધીમે આપણું માનસ ટેવાય। તમને આશ્ચર્ય થશે કે 95-98 સાલમાં આખા રાજકોટ શહેરમાં આ એક વ્યક્તિ પાસે ખાલી મર્સિડીઝ ગાડી હતી, રોજ 1000 કિલો ચાંદીનો વહીવટ કરતા હોય, આખા સૌરાષ્ટ્રમાં ચાંદી કોઈને પણ લેવી હોય, કોઈ દુકાનદારને
તો આ વ્યક્તિ એનો ટચ પોઈન્ટ. રોજ દિલ્હીથી 1000 કિલો ચાંદી આવતી અને વેચતા. આજથી 25 વર્ષ પહેલા 1000 કિલો ચાંદીનો રોજ વહીવટ કરવો એટલે કેટલી મોટી વાત થઈ. કહું છું ને, આખા શહેરમાં એને એકલા પાસે જ મર્સિડીઝ ગાડી હતી. એક દિવસ સવારે ઉઠ્યા, બ્રશ કરતા હતા, કોગળા કરતા હતા, લોહીનો ઉલટી થઈ, આમ ઉભરો આવ્યા, લોહી નીકળ્યું એટલે ગભરી તો ગયા. એમણે એમના પત્નીને ઉઠાડ્યા કે શું થયું. તો ભાઈ કે આપણે ડૉક્ટર પાસે તો જઈએ, લોહીની આવી ઉલટી થઈ. ડૉક્ટર પાસે ગયા, સામાન્ય ફિઝિશિયન પાસે. ડૉક્ટરે કીધું કે મને કંઈક જરા વધારે શંકા લાગ્યા છે, તમે કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે જાઓ. કિશોરભાઈ કે યાર શું વાત કરો તમે, તો કે ના તમે જાઓ જ અત્યારે. ત્યાં ઓન્કોલોજીસ્ટ છે ડૉક્ટર ટોલિયા, રાજકોટમાં એસ્ટ્રોન ચોક પાસે. ત્યાંય ગયા અને ડૉક્ટરે તપાસ કરીને કીધું સિવિયર કેન્સર છે છાતીમાં. ગભરાઈ ગયા, ધ્રાસકો પડી ગયો. તરત ફ્લાઇટમાં બોમ્બે આવ્યા. બોમ્બે અહીંયા એમને લીલાવતીમાં એપોઇન્ટમેન્ટ લીધીને તપાસ કરીને ફરી વખત બધા રિપોર્ટ કઢાયા. ડૉક્ટરે કીધું કે 4th સ્ટેજ કેન્સર છે, તમારી પાસે મહિનો છે. ત્યારે એણે જે ચીસ નાખી હતી અને જે માથું પછાડેલું સ્ટ્રેચર સાથે, એમણે પૈસા સાથે લઈ ગયેલા 5 લાખ રૂપિયા ડૉક્ટરને કેશ આપ્યા. હું વાત કરું છું 95-98 સાલની. હા, 5 લાખ રૂપિયા ડૉક્ટરને આપ્યા અને ડૉક્ટરને કહ્યું કે મારી જિંદગી બચાવ, આ તમને ભેટ. હવે તમે જે પ્રક્રિયા કરશો, તમારી ફી પણ હું આપીશ, હોસ્પિટલની ફી આપીશ, તમારે દુનિયાના કોઈ પણ ડૉક્ટર નહીં બોલાવવા, હું એનું આવવા જવાનું ભાડું આપીશ, એની ફી આપીશ, મને લંડન લઈ જવો, તમે સાથે આવો, હું બધી ટિકિટની વ્યવસ્થા કરું, પણ મને બચાવો. એ 5 લાખ રૂપિયા ડૉક્ટરે કિશોરભાઈના હાથમાં પાછા આપ્યા કે દાનપુન જ્યાં કર લેવો એ કરી લો, તમને પૃથ્વી ઉપર કોઈ ડૉક્ટર બચાવી નહીં શકે. અને પાછા આપી દીધા પૈસા કે તમારી પાસે મહિનો છે. એ રાજકોટ આવ્યા, અમે 1 મહિનામાં 3-1 વખત એમને મળવા ગયેલા. એટલે એક મિત્ર ભાવ હતો, એટલે આપણે સાજી કેમ લાગણી રહે કે આપણા મિત્રને આવું થયું, પણ આપણે એક અમદ બીજું તો કંઈ આપણે કરી શકવાના હતા જ નહીં, પણ એક મળીએ તો એને જરા હું લાગણી રહે. અમે ગયા ત્યારે અમારી નજરે એ દિવાલ જોડે માથા પછાડવા માંડેલા માનમાં અમે એમને રોક્યા. 29 વર્ષની ઉંમર અને 3 નાની દીકરીઓ. અને ડૉક્ટરે એને મહિનો આપેલો, 22મે કે 25મા દિવસે એનું મૃત્યુ થયું. ભગવાને કેટલું સરસ જીવન આપેલું, કેવો વ્યવસાય આપેલો, રોજ 1000 કિલો ચાંદીનો. આજે કોઈક 1000 કિલો ચાંદીનો રોજ વહીવટ કરતો હોય કેવો કહેવાય આજની તારીખ તો, 25 વર્ષ પહેલા તો કેવો કહેવાય. 29 વર્ષની ઉંમરે જીવન ખલાસ થઈ. તમે એમ ના સમજતા કે મેં એક જણાને ઓળખું છું, અમારી બાજુમાં એક કાકા રહે છે, 50 વર્ષથી આખો દાડો તમાકુ ખાય છે, એને કાંઈ થતું નથી. એટલે આપણને કાંઈ નથી થવાનું, આપણને શું લાગી જશે ખબર નહીં પડે. એટલે તમે અહીંયા આવ્યા છો, એટલે એ દિવસે જે તણાવ આવશે ને, સ્ટ્રેસ, એમાંથી બહાર જ નહીં નીકળી શકે. એટલે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, એટલે હું તમને મોટી મોટી મોક્ષની વાત નથી કરતો, ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા એટલે પહેલું આપણું જીવન નિર્વ્યસની હોવું જોઈએ. કેફી પીણા તેમજ માદક દ્રવ્યો તેમના વ્યસનીનું અને તેમનો ધંધો કરનાર બંનેનું અધપતન કરે છે. છાકતો માણસ પત્ની, માં અને બહેન વચ્ચેનો ભેદ ભૂલી જાય છે અને એવા ગુના કરી બેસે છે કે જેને માટે નશો ઉતરી ગયા પછી તેને પોતાને જ શરમાવવું પડે. Our father of nation, Mahatma Gandhi has visualized addiction free youth, Swatantra Bharat no વ્યસન મુક્ત સ્વતંત્ર યુવાન. ફ્રેન્ડ્સ, એની એડિક્શન, ઇન પર્ટિક્યુલર ડ્રગ એડિક્શન, મેક યુ ડિપેન્ડન્ટ, બાઉન્ડેડ. એન્ડ ધ યુથ યર્સ આર ફ્રીડમ યર્સ, કિસી ઓર સે નહીં, વો ખુદ સે લડ રહા હૈ, નશે કા દોસ્ત વો બન રહા હૈ. લેટ્સ ફ્રી અવર સેલ્ફ ફ્રોમ એની એડિક્શન, ઇન પર્ટિક્યુલર ડ્રગ એડિક્શન. વ્યસન મુક્ત યુવાન બની આપણે એક ચારિત્ર નિર્માણ કરીએ અને એક સુદ્રઢ, સક્ષમ અને સમર્થ રાષ્ટ્રની છાપ વિશ્વભરમાં છોડીએ. We all must contribute to our beloved Prime Minister Narendra Modi's vision of Digital India, Skill India and Self-Reliant India. Friends, let's have drug-free campus, let's have a drug-free society, drug-free nations and having a drug-free world. अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए
से नो टू ड्रग्स, अपने परिवार के सुख के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। We want you to take a pledge, not only by words, but from your heart, that you will make this university, state and a country a drugs-free country, and you will utilize your all energy for the development, for the your betterment of your life, your family life, and even for country. And you will be able to see a QR code just beside me. You are all are requested to scan it, submit the details, and take a pledge that you will never consume the drugs and you will never go in that direction. We just want a small support from you. Thanks. ना करूंगा मैं खुद और ना करने दूंगा, क्योंकि ये है मेरी कहानी। बचा ले मुझे माँ, बचा ले मुझे माँ, तेरे लाडले के जैसा फिर से जीना चाहता हूँ। बचा ले मुझे माँ, बचा ले मुझे माँ, क्योंकि छुपके छुपके जहर ना पीना चाहता हूँ। डरा बैठा कोने पे, डरती आंखें सोने से, कुछ भी नहीं बदलेगा अब मेरे रोने धोने से। कहाँ तक मैं आ गया हूँ वो पहले खिलौने से, लड़ूंगा मैं खुद से, दिन दे दे बस थोड़े से। कैसे मांगू माफी, हाँ की है गुस्ताखी, हाँ मुझे पता मैंने तुझे दुख दिया है काफी। तूने तो हमेशा बस चाहा था मेरा भला, पर मैंने आपा खोकर तेरा पकड़ लिया गला। कि पैसे दे मुझे, ये तलब मुझे तड़पाती है, तूने गले से लगा कर कहा ये बर्बादी है। मुझे लगा हो गया हूँ कैद तेरे पल्लू में, ये ना समझा इस गुलामी की तू ही आजादी है। आज मेरा दोस्त है, बेहोश मेरी होश है, खुद को कोसू रोज में, पर मुझको ना अफसोस है। मैं सो जाऊंगा चैन से, तू फिक्र ना करना, क्योंकि खून को पिला दी मैंने एक और डोज है। बचा ले मुझे माँ, बचा ले मुझे माँ, तेरे लाडले के जैसा फिर से जीना चाहता हूँ। बचा ले मुझे माँ, बचा ले मुझे माँ, क्योंकि छुपके छुपके जहर ना पीना चाहता हूँ। वो समय अब याद आता जब जाता था स्कूल पढ़ने, चेहरे पे थी मुस्कान और आंखों में थे सपने। खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था, तेरा सर ऊंचा रहे यही खुद से कहता था। आजाद था मैं पंछी जैसा, बुलंद थे मेरे हौसले, अंदर इतनी ऊर्जा थी तब तो था मैं होश में। फिर ना जाने क्या हुआ जिंदगी पलट गई, जब फर्क ना पता चला क्या गलत क्या सही। शुरू में जो मजे में किया था मैंने ट्राई, आज वो जहर मेरे लिए बन गई है दवाई। सुबह हो दोपहर हो या रात हो, ये साथ है, मैं उतना ज्यादा गिरा जितना समझा मैं हूँ हाई। जितना इसमें गुस्सा गया खुद को उतना भूल गया, मैंने चोरी की मैंने झूठ कहा, हो गया मजबूर यहाँ। आज तेरी फोटो पे हार चढ़ाने से पहले मैं फिर से जाकर अपनी इस दुनिया में डूब गया। करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा, माँ तेरे कहे रास्ते पे मैं चलूंगा। ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा, ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा, ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा। सीना ताने तुम सबसे यही मैं कहूंगा, ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा। अब देखना तू मां, अब देखना तू मां, तेरे लाड लेके जैसा फिर से जीने मैं लगूंगा। ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा, ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा। अब देखना तू मां, अब देखना तू मां, तेरे लाड लेके जैसा फिर से जीने मैं लगूंगा। ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा, ना करूंगा मैं खुद और ना करने मैं दूंगा।